प्रदेश सरकार के निर्देश पर कुपोषण दूर भगाने के लिए पोषण मिशन के अंतर्गत लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जालौन में भी जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। रैली को उप जिलाधिकारी अशोक कुमार, नायब तहसीलदार कोच संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर तहसील परिसर से रवाना किया। रैली में एक रथ साथ साथ चल रहा था, जिसमें कुपोषण से बचाने वाले स्लोगन भी लिखे थे। इस पोषण रथ की विशेष बात यह थी कि इसके साथ सेल्फी बूथ भी बनाए गए थे, जिसके साथ महिलाएं अपनी सेल्फी भी ले रही थी। बाल विकास पुष्टाहार विभाग लगातार प्रयासरत है कि कुपोषण पूर्ण रूप से दूर कर दिया जाए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को जागृत करने के लिए लगातार घर घर जाकर कुपोषण से लड़ने और पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा दी जा रही है। उप जिलाधिकारी अशोक कुमार ने बताया, कुपोषण से लड़ने के लिए मौसमी फल, हरी सब्जियां, सोयाबीन, चने आदि का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। यह हमारे शरीर से कुपोषण दूर करता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। जो कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो रैली निकाली गई, वो तो तहसील से हमारा जुझारपुरा सोसाइटी जहाँ पर CDPO ऑफिस है, यहाँ से निकाली गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी माताएं हैं वो जागरूक हों और अपने बच्चों को सही पोषण कराएं। यदि कोई बच्चा कुपोषित है तो उसके हम लोग जांच भी कराए हैं। 245 बच्चे ब्लॉक कोच में कुपोषित पाए गए हैं और उनका हम लोग जो शासन से निर्धारित है जिला चिकित्सालय में एक सेल बना हुआ है कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए, तो वहाँ धीरे करके भेजा जाएगा। जी, सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह की वो चल रहा है। इसी के बारे में जन जन को यह जागरूक करना है कि बच्चों को मतलब सही टाइम पे पोषण आहार, टीकाकरण वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें अपने प्रदान करें और सही पोषण और 7 माह से लेके ऊपरी आहार की व्यवस्था और ये सब गतिविधियों के बारे में बता रहे थे। वहाँ तहसील से यहाँ परियोजना ब्लॉक तक अपने रैली निकाली गई आज।